आप जानते ही हैं कि दुनिया की किसी भी कंट्री में एंट्री करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जिसे पासपोर्ट के नाम से जाना जाता है। पासपोर्ट के बिना किसी भी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना इलीगल माना जाता है। आपको बता दें कि जिस देश का पासपोर्ट जितना ज्यादा पावरफुल होता है, उस पर फैसिलिटीज भी उसी हिसाब से दी जाती है। साल 2022 के पासपोर्ट की रैंकिंग सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है और किस देश का पासपोर्ट वीक है। चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट कौन सा है। लंदन की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेलियन पार्टनर्स ने दुनिया के देशों के पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत समेत 199 देशों के पावरफुल और कमजोर पासपोर्ट की जानकारी दी गई है। ये रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से दिए गए डेटा पर बेस्ड है। इन 199 देशों में वीजा के साथ घूमने के लिए स्वतंत्र है। हेनली की ओर से जारी किए पासपोर्ट रैंकिंग के मुताबिक सबसे पावरफुल पासपोर्ट जापान का है, जिस पर बिना वीजा के 193 देशों में जाने की परमिशन है। यानी जापान के लोग बिना वीजा के 193 देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं दूसरे रैंक पर दो देश हैं, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इसके बाद तीसरे पर जर्मनी और स्पेन, चौथे पर फिनलैंड, इटली और लक्समबर्ग जैसे देश का पासपोर्ट है। पांचवें और छठवें स्थान पर चार चार देश हैं। टॉप 10 में यूके, बेल्जियम, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और ग्रीस जैसे देश शामिल हैं। अब जानते हैं कि सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है। तो पासपोर्ट की रैंकिंग में अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे ज्यादा कमजोर है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे नीचे 112वें रैंक पर है और पाकिस्तान से इसका फासला सिर्फ दो देशों का है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109 है और वहीं 110वें पर सीरिया और 111वें पर कुवैत है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन पासपोर्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बेहतर रैंकिंग पर है। इंडियन पासपोर्ट रैंकिंग के मामले में 87वें नंबर पर है। भारत के नागरिक 60 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। भारत के साथ 87वें रैंक पर दो अन्य देश मॉरिटानिया और तजाकिस्तान भी है। अब जानते हैं कि कैसे तय होती है पासपोर्ट की ताकत। किसी भी देश के पासपोर्ट की ताकत या उसकी रैंकिंग इस आधार पर की जाती है कि उसके धारक पहले से वीजा लिए बिना कितने देशों में सफर कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब समझे तो ये कि कितने देश संबंधित देश के नागरिकों को अपने यहाँ वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देते हैं। दरअसल वीजा ऑन अराइवल ज्यादातर मित्र देशों को ही दिया जाता है, यानी कि जिन देशों से संबंध अच्छे हैं और वहाँ के नागरिक से उस देश को किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं होता। आपको बता दें कि इसका डेटा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA मुहैया कराता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।